2024 के चुनाव से पहले जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थे इलेक्टोरल बॉन्ड। जिस डेटा की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो डेटा चुनाव आयोग ने अब सार्वजनिक कर दिया है। 763 पन्नों का सारा डेटा चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। दो अलग अलग रिपोर्ट्स जारी की गई हैं। एक में सिर्फ उन पार्टियों का नाम है जिन्हें चंदा मिला, साथ में तारीख बताई गई है और ये बताया गया है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला। दूसरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पार्टी ने कब कितना पैसा लिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर इस डेटा को शेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह सारा डेटा चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग ने आदेश के मुताबिक ही इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 763 पन्नों का डेटा ये है जो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख भी रहे हैं। डेटा अभी अभी अपलोड किया गया है। तो इसमें आपको बता दें, एक तरफ तो उन लोगों के नाम हैं, उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद करके वो अलग अलग पार्टियों के नाम पैसा दिया। दूसरा डेटा उन पार्टियों का है जिनको ये पैसा मिला था, जिन्होंने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश कराया था। ये दो जो डेटा हैं, दो लिस्ट हैं, वो अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो कि 2019 से चले आ रहे थे, असंवैधानिक करार देते हुए SBI को और सरकार को निर्देश दिया था कि ये सारा का सारा डेटा, किसने चंदा दिया, किसको दिया, लेने वाली पार्टी कौन सी है, ये सारा डेटा सार्वजनिक किया जाए और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। वो डेटा अब अपलोड कर दिया गया है, वही हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी का के जो है नाम पर कितना पैसा आया, वो 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये डेटा जारी किया गया है जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। अब इसमें सारी पार्टियों के नाम है, आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो है भारत राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और प्रिया हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी, आपको डिटेल बताएंगी वो कि किसने पैसा दिया, किस पार्टी को कितना पैसा मिला। प्रिया बिल्कुल सौरभ, ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये पूरी जो लिस्ट शेयर की गई है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने दर्शकों को ये पूरी टैली दिखाऊं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रांजेक्शन से करीब 1000 नंबर से, लेकिन कांग्रेस के भी लगभग इतने। और देखिए यहाँ से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का ये डेटा दिखाना शुरू करूँ, 12 अप्रैल 2019 से ये देखिए पहले 10 लाख के तीन आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इसके बाद ये 12 अप्रैल 2019 का ही ये डेटा है जहाँ पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 10 और 10, ये चार आपको लगातार 12 अप्रैल का ही वो डेट है 12 अप्रैल 2019 जब 10 लाख रुपए यहाँ पर निकाले गए। और इसके बाद फिर देखिए 1 करोड़ लगभग 7 से 8 बार ये जो संख्या है बढ़कर 12 अप्रैल 2019 को ही ये संख्या 1 करोड़ बढ़ जाती है। और ये लिस्ट में दिखाऊं इसके बाद फिर से यहाँ पर भी आप नजर डालिए, 7 बार 1 करोड़ और उसके बाद फिर से 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, 4 बार, तारीख वही थी यहाँ भी 12 अप्रैल 2019 12 अप्रैल 2019। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर इस 12 अप्रैल 2019 को फिर से 2 बार 1 करोड़ ये संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 लाख रुपए भी कई बार यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो हुए हैं। इसके बाद फिर से 10 लाख है, तारीख वही है 12 अप्रैल 2019, यहाँ पर देखिए फिर 10 लाख ही बढ़ जाता है, अगली जो संख्या है वो भी 10 लाख में बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर 1 लाख रुपए हैं और देखिए यहाँ पर 10 करोड़ रुपए भी नजर आ रहे हैं सौरभ, और तारीख हर बार वही है 12 अप्रैल 2019। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे ही ट्रांजेक्शन इसमें पूरी लिस्ट में नजर आते हैं, कहीं पर जो संख्या है वो 10 लाख की है, कहीं पर 1 करोड़ की है। लेकिन एक बात जो आपने बताई अभी प्रिया, की जो नंबर ऑफ एंट्रीज है वो 1000 तक जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसी 1000 एंट्रीज इसमें की गई हैं, कांग्रेस के लिए भी ऐसी एंट्रीज की गई। अब टोटल अमाउंट किस पार्टी को कितना मिला ओवरऑल वो अलग हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एंट्रीज बराबर सी लग रही हैं। प्रिया बिल्कुल देखिए मैं एक बार टोटल देखने की सौरभ यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ और लगातार ये जो हम लिस्ट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं वो 12 तारीख ही देखिए चली आ रही है और लगभग 1000 जो एंट्रियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं सौरभ, तारीख उसमें एक ही है कि 12 अप्रैल 2019 की पूरी तारीख है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो दावे कर रही थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्वेश्चन हो रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, कांग्रेस की भी इतनी ही एंट्री हमें यहाँ पर नजर आती। हालांकि एक बार मैं ये जरूर कोशिश कर रही हूँ कि
टोटल पैसा कितना है वो अपने दर्शकों तक अगर हम दिखा सके कि जो टोटल अमाउंट आया है वो प्रिया प्रिया आप कोशिश करके अगर ये बताएं व्यूअर्स को कि इसमें बीजेपी के अलावा और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनके नाम पर एंट्रीज हैं। देखिए सर, अब इसके अलावा AIDMK का नाम है, CPIM का नाम है, कांग्रेस का नाम है, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सवाल उठा रही थी, उन पार्टियों की एंट्री भी इस लिस्ट में साफ तौर पर नजर आती है। एक बार मैं आपको वो लिस्ट भी दिखा देती हूँ जिनके मैं यहाँ पर नामों का जिक्र कर रही हूँ कि चाहे वो AIDMK हो, उन्होंने भी यही ट्रांजेक्शन किए हैं। संख्या लगभग सबकी सौरभ यही है, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़, और तारीख भी एक ये जरूर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि तारीख भी वही है, 12 अप्रैल 2019 की ही वो तारीख है जब तमाम पार्टियों के नाम ये पूरी एंट्री हुई है। देखिए चुनाव की बात करें तो 11 अप्रैल को जो पहला वोटिंग था वो हुआ था, और इसी में देखिए यहाँ पे अब ये लिस्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये AIDMK के नाम की ये जो एंट्रीज है, देखिए 10 लाख रुपए यहाँ पर निकाले गए हैं, उसके बाद फिर से 10 लाख, तारीख 12 अप्रैल 2019 है। एक बार जूम करके मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगी, और इसके अलावा फिर देखिए तीसरा जो ट्रांजेक्शन होता है वो 1 करोड़ रुपए का हो जाता है, ये संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर यहाँ कम से कम आप अगर नजर दौड़ाएंगे 10 बार 10-10 लाख रुपए, और फिर ये संख्या बढ़ के देखिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ लगभग मुझे नीचे तक अगर मैं नजर अपनी घुमाऊं तो 1 करोड़ नजर आ रही है AIDMK की। इसके अलावा देखिए भारतीय राष्ट्र समिति की अगर मैं बात करूं, इनके नाम पे भी ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, और लगातार 1-1 करोड़ के सौरभ, तारीख वही है 12 अप्रैल 2019, यहाँ पर भी देखिए 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, और फिर ये 12 अप्रैल 2019 को भारतीय राष्ट्र समिति के नाम ही देखिए यहाँ पर 10 लाख रुपए हैं, और इनकी भी ऐसा नहीं है कि संख्या बहुत कम है, लगभग जो है वो है 200 से 300 जो ट्रांजेक्शन हैं वो हुए हैं भारतीय राष्ट्र समिति के नाम ही। और जैसे कि मैं अभी पहले AIDMK का जिक्र कर रही थी, मैं जरा जो भी आपने डिटेल बताई वो व्यूअर्स को बता देता हूं मैं। देखिए 12 अप्रैल 2019 से लेकर के जनवरी 2024 तक का डेटा अपलोड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, और इसमें जैसे प्रिया आपको दिखा रही हैं केवल बीजेपी को ये चंदा मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इसको कुछ छोटी पार्टियां भी होंगी जिनको चंदा मिला है, अभी तो हमने देखा AIDMK को मिला है, इसके अलावा BRS को मिला है, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, सबने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है। ये वो लिस्ट है अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें वो नंबर ऑफ एंट्री है जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराया, यानी इसका इसको ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी ने निकाला। अब एक दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है लिस्ट इसके ऊपर, उसमें उन व्यक्तियों के नाम है, उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। उस पहले ये अनोनिमस हुआ करता था, मतलब किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कौन सी पार्टी को चंदा देने के लिए, ये डिस्क्लोज नहीं करता था कोई। इसकी ये स्कीम ही ऐसी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसको अवैध करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चंदा पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, उसका नाम भी इसके अंदर डाला गया है। प्रिया कोशिश कीजिएगा वो दूसरी लिस्ट भी आपको मिल जाए, क्योंकि इसी के जरिए जो है विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश इस बात के लिए कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है उन्होंने अरबों खरबों का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन आपको हैरानी होगी जब इस लिस्ट की सारी डिटेल सामने आ जाएगी कि उन्हीं पार्टियों ने, उन्हीं कंपनियों ने कांग्रेस पार्टी को या और दलों को भी चंदा दिया है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को भी बहुत भारी चंदा मिला है, कांग्रेस पार्टी को भी चंदा मिला है। हाँ, ये बात सही है कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हो या बीजेपी को ज्यादा पैसा मिला हो, लेकिन इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए विपक्ष की तमाम पार्टियों ने भी चंदा लिया, और उन्हीं इंडिविजुअल से या वैसे ही कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से चंदा लिया, जिसको लेकर वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, सरकार में है, तो इन्होंने पैसा लिया कंपनियों से और पैसे के बदले में उनके लिए काम किया, या उनको ठेके दिए, या उनको प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी दी। अब देखिए आम आदमी पार्टी को भी 1 करोड़ से